जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। वैसे तो सभी एकादशी व्रत की महत्ता शास्त्रों में बताई गई है, परंतु इन सभी एकादशी तिथियों में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को रखने से शुभ और पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्रती की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और व्रत कथा। परंतु उससे पहले, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म ग्रंथ की मान्यताओं के अनुसार इसी दिन श्री हरि ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती। इस साल मोहिनी एकादशी 12 मई दिन गुरुवार को पड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का अंत होता है और व्यक्ति धीरे धीरे मोहजाल से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। इस साल मोहिनी एकादशी दिन बुधवार को 11 मई 2022 से 7:31 से प्रारंभ हो रही है। वहीं इसका समापन 12 मई शाम 6:31 तक होगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ पहर में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा कर सकते हैं। उदय तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी व्रत 12 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन रवि योग सुबह 5:32 से आरंभ होगा और शाम 7:30 तक खत्म होगा। मोहिनी एकादशी पारण समय। मोहिनी एकादशी का पारण 13 मई को सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। पारण का समय सुबह 5:32 से सुबह 8:14 तक है। द्वादशी तिथि का समापन शाम को 5:42 पर होगा। तो आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की विधि। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने का नियम व्रत वाले दिन के पहली रात से शुरू हो जाता है, अर्थात एकादशी का व्रत दशमी की रात से शुरू होता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वे दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करे, भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण में लग जाए। अब एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प, उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतु फल और तुलसी दल समर्पित करें। अब भगवान नारायण का विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नवेद और फल आदि भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और मोहिनी एकादशी व्रत कथा पढ़े। इसके बाद आरती करके क्षमा याचना करें। तत्पश्चात विसर्जन कर साष्टांग प्रणाम कर पूजा समाप्त करें। इसके बाद अब दिन भर मोहिनी एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक एकादशी के दिन गीता का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी के विषय में मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत पीने के लिए देवता और दानवों के बीच विवाद छिड़ गया था, तब भगवान विष्णु सुंदर नारी का रूप धारण करके देवता और दानवों के बीच पहुँच गए। इनके रूप से मोहित होकर दानवों ने अमृत का कलश इन्हें सौंप दिया। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया।
इससे देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे उस दिन एकादशी तिथि थी। भगवान विष्णु के इसी मोहिनी रूप की पूजा मोहिनी एकादशी के दिन की जाती है। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर पृथ्वी पर आए और अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के बारे में जाना था, संसार को इसी एकादशी का महत्व बताने के लिए भगवान राम ने स्वयं भी ये एकादशी व्रत किया था। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत को करने की सलाह दी थी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।